कैसे ट्रस्ट करेगा? आप हमको बताओ, हमको हम भी हमें ट्रस्ट करके एग्ज़ाम देने आया है, हम हमें एग्ज़ाम हवा में ऐसे नहीं आया। अगर हमको मालूम होता कि पेपर लीक होता था हम क्यों हमें एग्ज़ाम देने आना था? आप क्यों बोलते हैं हम लोग को ट्रस्ट करो? या हमें ट्रस्ट का पूरा ब्रेकडाउन हो चुका है ना, और आप उसमें स्टेटमेंट देते हैं कि गवर्नमेंट को ट्रस्ट कीजिए। यू हैव क्लियरली मेंशन दैट यू आर ऑल्सो करप्टेड। अकॉर्डिंग टू निनोंग इरिंग सर, वी आर द आंदोलनकारीज, वी आर नॉट द एग्रीप एक्सपीरियंस, वी आर द आंदोलनकारीज। यू हैव ऑल्सो एक्सेप्ट दैट यू हैव गेव जॉब टू अदर based on recommendation but not on the merit. The main statement that we have given is Taket Jereng and Tama Saro are only to be blamed, not the government or the member of commission. आप उनके लिए आवाज़ कर रहा है कि it is naturally for the parents to buy the question paper for their son to get a job. हर कोई जानता है कि 2017 को पेपर लिखवा है, 15 को पेपर लिखवा है और 22 को पेपर लिखवा है। तो आप मतलब कि क्या है कि ये पेपर लीक इशू को आप भी जानता था? आप किस सेंस में बोल रहे हैं कि दे आर स्पॉटलेसली क्लीन? हम लोग यहाँ में बैठा है एपीसीएस जो एग्रीप कैंडिडेट्स है उसको रिप्रेजेंट करते हुए। तो मेरा नाम ताई ताइक है और आज मैं आया हूँ एक वीडियो जो कल आया था पब्लिक डोमेन में। वो जो वीडियो आया है वो हमारा रेस्पेक्टेड फॉर्मर एमपी निनोंग इरिंग सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपको बहुत रिगार्ड करता हूँ, दिल से मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूँ और बहुत पहले से आपका जो इस स्टेट के लिए जो आप किया है उसको मैं आपके लिए बहुत थैंक यू बोलता हूँ। तो लेकिन कल रात जब आपका स्टेटमेंट आया मैं बहुत दुखी हूँ। सबसे पहले सर आपने दिया है एक स्टेटमेंट ऑन 20 सितंबर रिगार्डिंग दिस इशू ऑफ कम्युनलिज्म, कम्युनिटी बेस्ड एलिगेशन टुवर्ड्स द आदि कम्युनिटी। And in that statement, you have said that you have complete faith on our APPSC member and APSSBA. You have declared in the assembly that corruption is there to stay. And on 4th October, you have stated another post in your Facebook profile page. In that, you have stated that blaming and writing adverse remark without original names, source, cowardice and integrity of a person. And again, you have stated that you have full faith on our honorable chief minister. And you have clearly mentioned that there are many instances of case for job in the state. And also, you have mentioned that investigation is going on right direction. यहाँ पे जो कल रात को आपका वीडियो आया था उसी पे मेन मुद्दा हमारा शुरू होता है। तो उसको मैं एक एक पॉइंट करके, आपने जो कल मीडिया में ब्रीफिंग दिया है उसको मैं आपको फिर से हाईलाइट करूँगा, आप ही को मैं आपका बात को सुनाऊँगा आज। आपने बोला है कि कल रात की जो या में एक्यूज इन्वॉल्व है उसको आपने पर्सनली मिला है, यू हैव मेट द पेरेंट्स एंड आप उनके लिए आवाज़ कर रहा है कि इट इज़ नेचुरली फॉर द पेरेंट्स टू बाय द क्वेश्चन पेपर फॉर देयर सन टू गेट अ जॉब बाय एंड बाय एनी हु कैन क्रूक एंड विदाउट एनी फेयर। एंड यू हैव ऑल्सो मैंशन दैट सच केसेस आर गोइंग थ्रू ऑल ओवर इंडिया। सेकेंडली यू हैव स्टेटेड दैट CM tried to bring APSSB and make APSC more reliable. And now the main statement that we have given is Taket Jereng and Tama Saro are only to be blamed, not the government or the member of commission. You have mentioned that you are very known to the commission members, member of the commissions, and you have mentioned that the commission is spotlessly clean. You have also accepted that you have gave job to other based on recommendation but not on the merit and instruct other MLAs to give them job. तो आपने ये बोला है कि सब नेता ऐसा ही करता है। और दूसरा बात आपने ये बोला है कि only case for job is problem but साफ दिल से करता है तो लोग उनको consider कर सकता है। ये आपने clearly बोला है कि it's good thing to give job if your heart is clean. और आपका दूसरा बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ड्यू टू पेपर लीकेज आंदोलनकारियों को मौका मिल जाता है सरकार के खिलाफ जाने का। ये बात को जनता फिर से सुनिए। अकॉर्डिंग टू निनोंग इरिंग सर, वी आर द आंदोलनकारीज, वी आर नॉट द एग्रीप एक्सपीरियंस, वी आर द आंदोलनकारीज। एंड ड्यू टू द पेपर लीकेज आवर CM और CBI का वजह से फ्यूचर में और पेपर लीक नहीं होगा। यू आर गिविंग एश्योरेंस, यू हैव प्रोमिस दैट During your whole career as a CO, MLA, minister or union minister, gave job to many people but have not taken
a single penny. This is your statement. And your next statement is, you have accept, I'm also corrupted. You have clearly mentioned that you are also corrupted. When public comes to him, you give him when public come to you for some financial aid, he asks third party to help him on his behalf. Later, when the third party comes back, he gives him work order. आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी को आप help करता है तो वापस में आप उसको पैसा नहीं दे सकने से भी आप जो है उसके उसको work order देता था in lieu of the money. ये आपका खुद का बोला वाला शब्द है. Sir, this is not your language. This is not you are speaking on your behalf, but you are speaking on the behalf of government and the accused person and for the APCS members. You are speaking for them only. आप अपने लिए बात नहीं कर रहा है. आप कांग्रेस का नेता है, आप एक ओपोजिशन में रहना चाहिए था, आपको ओपोजिट डायरेक्शन में आवाज़ उठाना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ में ओपोजिट डायरेक्शन में उठा नहीं रहा है. आप यहाँ में प्रो गवर्नमेंट का बात कर रहा है. दूसरा बात, आपने ये बोल रहा है कि जिसको पकड़ा है उसी में ही लिमिट करो, ताकि जरंग में शुरू हुआ है वही में ख़त्म करना है. ये आपका वर्ड हम लोग को इंटरप्रेट होता है एज ए जेन्यून एक्सपीरियंस. आपको फिर से बता दूं, ताकि जरंग में शुरू हुआ है तो वही में ख़त्म करने का बात को आप शुरू कर रहा है. नाउ यू टेल मी व्हाट इज़ योर रोल, आर यू स्पीकिंग एज ए सी एम स्पोक्स पर्सन? आप किस हित में बात कर रहा है? आप उससे अच्छा आप सीबीआई को क्वेश्चन करता, ईडी को लाने के लिए बात करता, जुडिशियल इंक्वायरी का बात करता, ये सब का बात तो आपने किया ही नहीं. आप जब मेंबर को अच्छे से जानता है बोला है, आपने खुद मेंशन किया है, जबकि आपने बोला है कि मेंबर ऑफ द कमीशन आर स्पॉटलेसली क्लीन. दैट मीन्स व्हाट? यू आर वेल अवेयर ऑफ द चेयरमैन, जबकि हर कोई जानता है कि 2017 को पेपर लीक हुआ है, 15 को पेपर लीक हुआ है और 22 को पेपर लीक हुआ है. तो आप मतलब कि क्या है कि पेपर लीक इशू को आप भी जानता था? आप किस सेंस में बोल रहे हैं कि दे आर स्पॉटलेसली क्लीन? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क यू इज, व्हाट इज़ योर कनेक्शन विद द एपीसीएस? आपका क्या कनेक्शन है? आप किस लैंग्वेज में आप लोगों को बचाने के लिए बात कर रहा है? आप जब भी इस मुद्दे पे आता है, आप हमारा साथ में आता है, हम उसको एक्सेप्ट करता है, बट हमको समझ में नहीं आता है कि आप गवर्नमेंट का साथ में है या फिर हम लोग का साथ में है. और अगर आप हम लोग का साथ में है तो आप हम लोग को आंदोलनकारी क्यों बोल रहा है? ये क्या है? आप इसको जवाब देना पड़ेगा. क्या हम आंदोलनकारी है? हम यहाँ में क्या गवर्नमेंट का अगेंस्ट में रैली कर रहे हैं? वी आर जस्ट क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट एंड देयर गवर्नेंस. आप खुद जानता है प्रोसीजर लैप्सेस हुआ है, लेकिन भी आप उसको क्वेश्चन नहीं करके हम लोग को उल्टा क्वेश्चन कर रहा है. वी आर द एग्रीव कैंडिडेट्स, व्हाई यू आर क्वेश्चनिंग मी? एंड यू आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट हु हैव डन सो मेनी मिस्टेक्स इन देयर इन द रिसेंट पेपर लीक इशू. आप गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता है, बट लिमिट आप जो खुद को लिमिट करता है गवर्नमेंट को सिर्फ तारीफ करने के लिए. सिर्फ गवर्नमेंट को तारीफ करने का बात क्यों कर रहा है? ये चीज़ को आप जवाब देना पड़ेगा. आपका रोल है ओपोजिशन में रह के आपको ओपोजिट बात करना था, लेकिन आप यहाँ में प्रो गवर्नमेंट है. आप इसको क्या जवाब देना चाहता है? आप करना क्या चाहता है? आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? गवर्नमेंट में आना चाहता है आप? अब हमको बताइए कि आप हमको बोलता है कि सीबीआई को ट्रस्ट कीजिए, पेमा खांडू को ट्रस्ट कीजिए. आप हमारा दर्द को कभी समझा है? हमको कभी हम लोग का जो दर्द है उसको आप कभी फील किया है? आप हमको बताइए किस एंगल से हम सीबीआई को ट्रस्ट करेगा, किस एंगल से हम एपीसीएस को ट्रस्ट करेगा, जो हर एग्जाम में कुछ ना कुछ घोटाला करता है? कैसे ट्रस्ट करेगा आप हमको बताओ? हमको हम भी हमें ट्रस्ट करके ये एग्ज़ाम देने आया है. हमें हमें एग्ज़ाम हवा में ऐसे नहीं आया. अगर हमको मालूम होता कि पेपर लीक होता था हम क्यों हमें एग्ज़ाम देने आना था? आप क्यों बोलते हैं हम लोग को ट्रस्ट करो? या में ट्रस्ट का पूरा ब्रेकडाउन हो चुका है ना, और आप उसमें स्टेटमेंट देता है कि गवर्नमेंट को ट्रस्ट कीजिए. आप गवर्नमेंट को तारीफ करता है, हम लोग भी एक्सेप्ट करता है कि वो अच्छा काम किया है, बट इट इज़ ओनली द वन स्टेप. एक स्टेप सिर्फ गवर्नमेंट लेता है, आप उसको प्रेस करने के लिए 3-4 स्टेटमेंट देता है. लेट इज़ नॉट आवर डिमांड. उसको गवर्नमेंट को 10 स्टेप लेना चाहिए था, तब जाके हम लोग भी तारीफ कर सकता था. लेकिन एक स्टेप लेने पर आप इतना तारीफ करने के लिए पूरा आ जाता है सोशल मीडिया पर. आप किसके लिए इतना लिख रहा है ये सब चीज़ आप हमको बताना पड़ेगा. आप हमको अगेंस्ट द एग्रीप है या अगेंस्ट द गवर्नमेंट है या फिर फॉर द गवर्नमेंट है या फॉर द एस्पिरेंट है, ये चीज़ आपको क्लियरली फिर से बोलना पड़ेगा. क्या आप गवर्नमेंट का साथ है या एक्यूज का साथ है? ये लोग का साथ आप मिला हुआ है क्या? हम बार बार क्वेश्चन करेगा. आप हर बार ये लोग को सिंपति दे रहा है, एक्यूज पर्सन को आप सिंपति दे रहा है, गवर्नमेंट को सिंपति दे रहा है. हम लोग को सिंपति कहाँ में दिया? आप तो हम लोग को आंदोलनकारी बोल रहे हैं, हमारे लिए सिंपति कहाँ है? आपका ब्रीफिंग में हमको कहीं
कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि आप हमारे जो एग्री कैंडिडेट से उसका साथ में है बोल के ये हमको आपका स्टेटमेंट में कोई भी एंगल से दिखाई नहीं दिया। ये आपको फिर से मैं बता दूंगा। आप बोल रहे हैं ना कि ये जो APCS का वजह से आपका कम्युनिटी को बहुत ट्रोल मिल रहा है। आपको बता दूँ कि हमारा जो पाई ग्यादी सर का जो वीडियो है उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार, जिसमें वो बोला है कि ये जो केस है टोटली नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, क्लियरली मेंशन किया है। मैं उसको फिर से आपको रिपीट करूँगा। और दूसरा बात, आप हमारा मीटिंग में कभी आया ही नहीं, आके आप देखिए हम लोग का एक्सपीरियंस में क्या बात होता है। वेयर ऑल द पार्टिसिपेंट आर फ्रॉम डिफरेंट ट्राइब, और उसमें कभी ये चीज़ बात होता ही नहीं कि ऑल आदि सर चोर। तो आपको कहाँ से कान में खबर मिलता है कि हम लोग जो यहाँ में पूरा एकदम कम्युनल हो रहा है। और तीसरा बात, हमारा जब भी मीटिंग होता है हम लोग अप्रिशिएट करता है जितना भी जो ये रिसेंट जो पेपर लीक इशू हुआ है उसमें आदि ब्रदर्स एंड सिस्टर लोग का बहुत बड़ा हाथ है। वो लोग का सपोर्ट नहीं होता ना तो ये पेपर लीक जो इशू इतना बड़ा से नहीं बनना था। इसको हम लोग अप्रिशिएट करता है। आई अप्रिशिएट ऑल द आदि ब्रदर्स एंड सिस्टर फॉर कमिंग अप इन दिस सेंसिटिव केस। योर ब्रेवरी एंड करेज आर वेल अप्रिशिएट बाई एवरी ट्राइब, सो प्लीज़ डोंट कॉल इट एज ए कम्युनल इशू। और आपको मैं फिर बता दूं कि ऐसा पब्लिक डोमेन में अगर कोई बोला है या फिर हमारा जो जेन्यून एक्सपीरियंस है वो अगर कमेंट किया है कि ये जो इशू है वो कम्युनल है बोल के कोई बोल रहा है, या फिर आपका कम्युनिटी पे कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो उसको हमको बताइए। कोई भी हमें नहीं बोला है। ये चीज़ आपको ध्यान में देना है, ध्यान में रखना है कि जो रूम पे रह के फेक अकाउंट का साथ जो कमेंट कर रहा है उसका बेसिस पे आप इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दे रहा है। आपको क्या नज़रअंदाज करने का मालूम नहीं है क्या कि सोशल मीडिया में किस चीज़ को नज़रअंदाज करना है? आपको नेगेटिविटी भी आएगा, पॉजिटिविटी भी आएगा। और सबसे बड़ा बात, आप अपना जो तीन जो पोस्ट है उस पर आप प्लीज़ जाइए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ निनोंग इरिंग सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं फिर से बोल रहा हूँ विद ड्यू रेस्पेक्ट, आपका जो कमेंट, आपका जो पोस्ट पे जो कमेंट आता है ना उस पर आप जाके देखिए कि आप पर क्या कमेंट कर रहा है। उस पर 99% आपका अगेंस्ट में ही है कि आप इतना बड़ा आदमी हो के आप ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। आपको आप अगर पता नहीं है तो मेरे पास हमें पूरा सबूत है, जो जो हमें कमेंट किया है ना उन सब का एविडेंस मेरा पास है, और इसको मैं स्टेटमेंट को रीड भी कर सकता हूँ, लेकिन लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन आप खुद जाए, मैं चाहता हूँ कि आप उसको खुद पढ़े, आपका स्टेटमेंट को लेकर कितना लोग डिससेटिस्फाइड है आप तो आपको तब अंदाजा हो जाएगा। आज तो यार मैं सिर्फ हम अकेला बोल रहे हैं, लेकिन आपका जो कमेंट में जब जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो स्टेटमेंट है कितना लोग को हर्ट किया है, कितना एग्री कैंडिडेट्स लोग का दिल में लगाया, तब आपको पता चल लेगा। या मैं पूरा आपका ही जो वीडियो है या फिर पोस्ट है उसका अगेंस्ट में जितना भी कमेंट आया ना वो आपका ही अगेंस्ट में है। दैट मींस व्हाट, पब्लिक आर टोटली अगेंस्ट यू। ये चीज़ आप भी समझना है, बिकॉज सच ए इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट इज नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड। तो आपको मैं लास्ट में ये कहूँगा कि जितना भी मेरा आदि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, ये जो फियास्को है बहुत सेंसिटिव है। मैं अपील करता हूं कि इसको कोई भी कम्युनलाइज नहीं करना है, ना मैं कम्युनलाइज करता हूं, ना मेरा इशू कमेटी लोग करता है, कोई हमें नहीं करता है। वी ऑल आर वर्किंग एज ए टीम जस्ट टू फाइट अगेंस्ट द करप्शन, नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, बट जस्ट टू फाइट अगेंस्ट द करप्शन। हम लोग करप्शन के लिए ही आया था, उसको आप लोग पब्लिक भी समझना है। तो आप पब्लिक समझता है तो निनोंग इरिंग सर आप क्यों नहीं समझ रहा है? कौन हमें कम्युनल हो रहा है? आप हो रहा है, आपका स्टेटमेंट से बहुत लोग कम्युनल हो रहा है, आपका स्टेटमेंट को सब लोग देख रहा है, उसको आप समझना है। आपका वजह से उल्टा कल को दंगा फसाद हो सकता है। आप जो हाईलाइट कर रहे हैं कि हम लोग आदि को चोर है सब बोल रहा है, तो कोई कोई उसको दिल में लेके रख लेगा ना। आप क्यों उसको ये करता है, इतना बड़ा स्टेटमेंट देता है? आप एक बार नहीं, तीन बार दिया था, तीन बार कैसे आप दे सकता है? एक बार दे दिया इट्स ओके। आप इतना सेंसिटिव इशू और मेन मुद्दा तो हम लोग का पेपर लिखा है उस पर आप इतना बड़ा स्टेटमेंट तो कभी दिया नहीं है। जस्ट आपको उसी में आपका क्या सिर्फ क्या 2024 में क्या कुछ पॉलिटिकल एम्बिशन है आपका? पब्लिक सिंपत्ति हो भी अपना एरिया का, आपका जो कम्युनिटी है उसका सिंपत्ति को गेन करने के लिए आया क्या? तो ऐसे होता है, ऐसे है तो आप अपना एरिया में ही कीजिए। हमारा ये ईटानगर में आके ऐसा स्टेटमेंट मत दीजिए, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। हम लोग कभी कम्युनल हुआ ही नहीं, आप क्यों हो रहा है? आपका ये हम फिर से रिपीट कर देंगे, आपका वो स्टेटमेंट का वजह से उल्टा कम्युनलाइज हो रहा है। ये हम आपको फिर से बोल रहेगा, आपका स्टेटमेंट का वजह से हो रहा है, किसी का वजह से नहीं है। जो लोग पढ़ा लिखा है वो लोग आपका जो ब्लैक जो फेक अकाउंट से जो कमेंट किया है उसको नज़रअंदाज कर रहा है, जो पॉजिटिव कमेंट्स आता है ना उसको देख रहा है, और आपका पोस्ट में हर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है, आपका अगेंस्ट में ही दे रहा है। उसको आप खुद पहले जाग के देखिए, पब्लिक रिएक्शन को तब आपको पता चलेगा कि आपका जो स्टेटमेंट है कितना सेंटीमेंट हर्ट हुआ है। तो लास्टली आई विल जस्ट
क्वेश्चन यू सर कि रेस्पॉन्सिबल वॉइसेस शुड नॉट स्टेट इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट. सर दिस इज माई रिक्वेस्ट वंस अगेन आई विल स्टेट दिस स्टेटमेंट. यू आर ए रेस्पॉन्सिबल वॉइसेस एंड वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनी इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट फ्रॉम योर साइड. सिंस दिस इज ए हाई प्रोफाइल केस वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मैनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनी हायर ऑथॉरिटीज, इफ यू स्टैंड If you give such statement, then we'll also question your integrity. आपका integrity भी question करेगा और we can also file a fire against you. आप कैसे जो paper leak में जो involved है उसके लिए आप sympathy कैसे दिखा सकते हैं? हमारे लिए sympathy दिखाइए, आपको public का प्यार मिलेगा, माँ पिताजी का प्यार मिलेगा. आप ये आप जो आप बोल रहे हैं कि जो जो अमीर है वो paper खरीद सकता है अपना बेटा को जॉब दिलाने के लिए. व्हाट अबाउट दोज हु आर पुअर जो पेपर नहीं कर सकता है उसके लिए आप क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? आप तो पूरा बोल रहे नेचुरली ऐसे होता है बोल रहे तो जो पेपर खरीद नहीं सकता है उनके वो क्या करेगा? आप बताइए हमको. तो इसलिए हम अपील करता है कि आप जो है इस केस को इतना सेंसिटिव है आपका आवाज़ को सही डायरेक्शन में लाइए. हम लोग भी अप्रिशिएट करेगा आपका आवाज़ को लेके और हम लोग चाहता है कि आप जैसे इमिनेंट पर्सन आए हमारा साथ दे जो करप्शन हो रहा है उसको मिटाने के लिए. हम लोग सीएम पेमा खांडू का अगेंस्ट में नहीं है, एपीसीएस का अगेंस्ट में नहीं है, मेंबर का अगेंस्ट में नहीं है. हम लोग जो है इसका सिस्टम के अगेंस्ट में है जिसमें कि ये करप्शन हो रहा है. ये सिस्टम कैसा नहीं होना है उसको हम फाइंड आउट कर रहा है. कम्युनिटी के अगेंस्ट में नहीं है ये, हर कम्युनिटी में आई ऑल्सो एक्सेप्ट एग्री करता है लेकिन हम लोग चाहता है कि सिस्टम साफ हो. आप उसके लिए इसको ज़ोरदार दीजिए. हम अपील करता है आपको फिर से आपको या मैं आपको पर्सनली हम लोग या मैं हर्ट करने नहीं आया है. हम लोग का जस्ट सेंटीमेंट को आप हर्ट किया था इसको हम लोग रिप्लाई करने आया है कि हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ करप्शन का अगेंस्ट में लड़ रहा है और किसी के अगेंस्ट में नहीं. दैट इज़ ऑल, थैंक यू. तो ये दोस्त कुछ बोलेगा? इन एडिशन टू दैट सर को हम ये बोलेगा ना, सर आपका जो स्टेटमेंट था उसका वजह से हम लोग जो है यहाँ पे आज मजबूर हुआ आने के लिए, क्योंकि करप्शन का कोई ट्राइब नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है, कोई उसका कोई आइडेंटिटी नहीं होता है. तो सर इसलिए काइंडली प्लीज़ आप ये पर्टिकुलर जो मैटर है इसको जो है आप खुद जो है इतना बड़ा आप आदमी है, इतना बड़ा पर्सनालिटी है अरुणाचल का, तो काइंडली इसको आप जो है एक आइडेंटिफिकेशन मार्क के साथ में इसको जो है और ज़्यादा इसको जो है वो मत कीजिए. इनफैक्ट आप सर अब ये बोलिए कि जो है सिस्टम को कैसे क्लीन किया जाना चाहिए, सिस्टम को कैसे और ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन करना है, ये बोल करके आप जो है गवर्नमेंट को सजेशन देना चाहिए. इनफैक्ट बिकॉज बच्चों का हमारा जो बहुत सारा डिमांड्स है जो अभी तक मीटअप नहीं हुआ है उसके लिए तो आप कुछ भी आवाज़ नहीं उठा रहा है. तो काइंडली सर आप एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन एज वेल एज यू नो हम लोग का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो इसलिए आप जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए आप हम लोग का सेंटीमेंट को भी समझिए और आप इसको जो है किसी भी तरीके से आपको हम लोग जो है हर्ट करने के लिए आपका ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जो है वो करने के लिए नहीं, आपको ये बताने के लिए आया कि आपका जो स्टेटमेंट था आपका जो स्टैंड था वो बिल्कुल गलत था. ये चीज़ को हम लोग चाहता है कि और हम लोग समझता है कि एज अ सीनियर सिटीजन प्लस एज अ रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव आप जो इसको समझेगा और इस पर जो है आप जो है कुछ एक्शन ले करके जो है आप ये पर्टिकुलर चीज़ को जो है अमेंड करेगा. थैंक यू.